After 14 hours of non-stop journey, welcome to Goa. आप लोगों को रूम टूर देता हूँ. स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1. मस्त चिल आउट करने के लिए बढ़िया सी प्लेस. एंड दिस इज द फर्स्ट रूम. ये हूँ मैं. हाय. इसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दूसरा रूम. पिछले फ्लैट टाइप ही है. सो दिस इज द डाइनिंग एरिया और ये आपका किचन है. And this is the second room, almost identical rooms ही हैं. सबसे बढ़िया मुझे लगा lighting में आप लोगों को lighting वगैरह दिखाता हूँ. और ये अविनाश जी बाथरूम से निकलते हुए निकलेंगे क्या? Welcome to the vlog. कैसा लग रहा है गोवा की humidity में? बहुत ज़्यादा गर्मी. खतरे वाली है भाई, बहुत ज़्यादा. यहाँ होगी अपनी editing अगर time मिला तो. इसके अलावा मैं आपको lighting दिखाता हूँ मस्त. ये सेक्सी सी lighting. सोच रहे हो अंधेरे में बैठोगे चिल करोगे तो क्या मजा आएगा. लाइट बंद करता हूँ मैं थोड़ा. ये है माहौल अविनाश जी. ये माहौल कैसा लग रहा है बताए थोड़ा. बहुत सेक्सी है. बाहर दिखाओ. ये ना. सो ये है हमारी प्रॉपर्टी. टेरेस भी है. अबे जाने वाले आज कि नहीं पता नहीं. शाम को जब हम लोग बाहर निकले थे खाने पीने लेने के लिए इतनी गर्मी थी कि हम लोग फैटी गर्म वापस. देखते हैं शाम को निकलते हैं. बीच बीच से क्लाउड दिख रहे हैं भाई. बारिश हो सकती है क्या अविनाश जी? थोड़ा बताएंगे. काले मेघा तो अभी हम जाएंगे बीच. बीच में भी अच्छा लगेगा तो बागा बीच जाने का ट्राई करते हैं. आई होप. क्या कर रहे साले? गोवा मूड में आ चुके हैं. चलो बागा बीच में जाने की ट्राई करते हैं. आई गेस लाइटिंग अच्छी हो और मिलता हूँ मैं आप लोगों को तो इधर बाहर निकलने के बाद. स्कूटी हमने ऑलरेडी रेंट कर ली थी. हमारा एक दोस्त है यहाँ पे तो उसने हमें स्कूटी रेंट करके दे दी है. क्या अविनाश जी? पता नहीं क्या करा. हम कहीं जा रहे कि नहीं जा रहे? चिल चिल एट होम. बाहर करो ना अंदर करो ना. करो ना. कुछ कंटेंट भी नहीं बनेगा. कुछ कर भी नहीं. कंटेंट यही है. सारे नशेड़ी की तरह एक्टिंग कर रहा है. नहीं जाना बाहर. रूम में पानी बहा देते. मैं एक सेकंड के लिए निकला. अब मुझे लगा गैस चैम्बर से बाहर आया. निकलते हैं देखते क्या जो होगा देखा जाएगा. और अविनाश जी हमें ले आए हैं हमारे पहले स्टॉप के पास. फाइनली अविनाश जी को हम बाहर निकाल के ले आए हैं. मैं लाया हूँ. तू लाया? मैं लाया. तैयार नहीं हो रहा था. लग रहा था आज नहीं आएगा. गोवा रूम में रहने के लिए आए. ह्यूमिडिटी कम कैसे करें हम? बीच में पानी में कूद जाएंगे. हाँ चलते हैं पानी में कूद जाएंगे. रात को पानी हाथ में बर्फ लेके बैठेंगे. पैंट कपड़ों में बर्फ डाल लेते हैं. व्हाट आई मीन. बहुत महंगा है ना. तुम अकेले चल रहा हो क्या? बदतमीजी कम नहीं होगी तुम्हारी? हम जा रहे हैं बागा बीच. मिलते हैं आपको बागा बीच में. बाय बाय. यहाँ रात में ही घूमने के लिए है तो आज रात में सारे साइट सीइंग देख लेंगे. रात को ही. और आपको जो दिखेगा उतना देख ले. आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा. अभी हमें बागा बीच पे और अभी हम जाएंगे कहीं बैठेंगे कुछ खाएंगे. पीछे का बीच एंजॉय कर रहे हैं आप. अविनाश जी पानी फुल मून है. क्या खाओगे? ह्यूमिडिटी के अलावा कुछ भी खाएंगे. अरे गाना बहुत तेज बज रहा है. ह्यूमिडिटी 10:30 ओनली और एक पुलिस वाला घूम रहा था यहाँ. उसने गाने वाने बंद करा दिए. हमारे लिए अच्छा होगा कि हम थोड़ा व्लॉगिंग वॉगिंग कर सकते हैं. अविनाश जी थोड़े थके हारे लग रहे हैं. लग रहा है 4-5 दिन से सोए नहीं है. अराउंड 11:30-12 निकलने का प्लान है. एंड देन विल गो बैक टू आवर स्वीट 2 BHK स्वीट जो है मैंने स्पेशल अविनाश का वो किया. आज रात अविनाश नाचने वाला रूम में. नाचेगा ना? तुम्हारी लाइटिंग भी लगाई भाई मैंने अच्छी वाली. मुजरा करेंगे ना. टीवी पे देखा. कंटेंट हो गया. 18+ ओनली. तो गोवा आराम से आओ दिसंबर टाइम में. फिर जाओ कहीं और पहाड़ों में हमारे पास. हाँ फिर पहाड़ों में जाओ. पहाड़ों में मतलब अपन लेह लद्दाख वगैरह है. लेह लद्दाख जाओ. स्पीति जाओ.
केदारनाथ केदारनाथ अच्छा, नहीं, वो तो बताने नहीं बताना नहीं है शायद जाएंगे केदारनाथ ये साल का प्लान इसलिए आए गोवा कुछ पाप कर लें फिर वहाँ पे जाके पाप धो लेंगे मैं शायद ले जाऊं दिस ईयर देखते हैं दिखी जाए क्लीवेज दिखाना बंद करो भाई ऑडियंस हमारी डिस्ट्रैक्ट हो रही 60 लोग ही देखते हैं लेकिन दो तीन अच्छे भी है उसमें तेरे घर वाले भी देखेंगे फैमिली शो है साथ में देख सकते क्या खाने का बोल तेरा भाई को आया तो इट्स 1 o'clock राइट नाउ एंड टाइम टू कॉल इट ए नाइट आई गेस और काफी डिलेड इस वजह से हम लोगों को एसी में आधे घंटा बैठा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी भाई ह्यूमिड है भाई आप 5 मिनट रास्ते में खड़े रहो यू विल लाइक पसीने से नहा लोगे ऐसी गर्मी है यहाँ कैलेंडर बनाना पड़ेगा अभी सारे जगह का मौसम देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे सबसे पहला टिक रहेगा वेदर का उसके बाद कुछ और सोचेंगे सो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि मे भी बीच जाएंगे लेकिन रात को बीच जाके कुछ फ़ायदा तो है नहीं लेकिन अविनाश का मन बड़ा बीच बीच कर रहा है तो हम सोच रहे हैं चलो क्या हाल तो लेट्स सी अगर हम बीच जाते हैं तो वी विल कंटिन्यू अदरवाइज कहाँ लेके आया बे एक ले ले करलीज लेके आया करलीज तो उनको बीच लेके जाओ करलीज लेके आया बहन चलो अंजना बीच लाए हैं भाई अविनाश जी हमें घुमा घुमा के लिए बीच पे लेके आए हैं कौन सा बीच है अंजुना बीच गर्लिस बोल के एक पब है यहाँ पे क्या खा रहे हैं दिखाते हैं आप लोगों को ये अविनाश जी बनवा रहे हैं अंडा मैगी 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 लेट नाइट क्रेविंग बेबी को लेट नाइट क्रेविंग क्या हो रहा है क्या हो रहा है 38 आवर टेस्ट वर्ड फाइनली अभी बज चुके हैं सुबह के 3:30 मैं और अविनाश पहुंच चुके हैं वापस अपने आलिशान बंगलों में विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग छोटा सा व्लॉग है कल वाला व्लॉग अच्छा होगा दिन में घूमेंगे तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज जे फ्रॉम चैनल जेबो व्लॉग्स थैंक यू टाटा बाय बाय जय अभी क्यों कर रहा है We'll be right back.